शेमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। उस सोफे से लेकर उधर भगवान के चरणों तक जाना है। जो औरत सही सलामत मटका लेके वहां तक पहुंचेगी वो विजेता कहलाएगी। ये सिंदूर इनकी मांग में भर के इन्हें वापस अपना लीजिए। तीज के इस त्योहार में और सवर्णी के कहने पर अपनी धर्म पत्नी स्वीकारते हैं। आपके लिए दरवाजे पर कोई पार्सल छोड़ कर गए। चलो हम देखते हैं। ताऊ जी हम देखते हैं। सॉरी बहन जी, सॉरी। इसको तो मैंने दीदी के कॉलेज में एडमिशन के लिए देखा था। अरे वाह, क्या बात है दीदी, हमें नहीं पता था कि तुम्हारा इसके साथ। हमें नहीं पता कि तुम आंखों की डॉक्टर बन पाओगी कि नहीं, पर आंखों में धूल बहुत अच्छे से झोंक लेती है। बेटी तुम चुप हो जाओ। सोनी, ये क्या है बेटा? ताऊ जी, वो ये लड़का हमने इसे डांटा था, पर हमारा इसके साथ कुछ भी नहीं है। हम सच कह रहे हैं। बता, खुलेआम चूड़ियां पहना रहा है? कभी हमको लगा नहीं ऐसे भी लक्षण होंगे। बाप तो बेचारा खत्म हो गया है, अब अपनी ताऊजी की नाक कटाने पर तुली हुई है। अपनी माँ के बारे में तो सोचती। एक मिनट, इज्जत दे रहे हैं तो इज्जत से रहिए। ये हमारे घर का मामला, सबने बेटा ताऊजी, हमारा विश्वास कीजिए। अरे हम तो इसका नाम तक नहीं जानते, बस ये हमें कुछ दिन पहले दिखा, हमारे इर्द गिर्द घूमना था तो हमने डांट दिया बस। हमारा इसका कुछ भी नहीं है ताऊजी, हमारा विश्वास कीजिए। वो तो बस उस दिन। ताऊ जी, हम लोग बावर्ची हैं, आप ही लोग तो बुलाए थे हमें। ये लड़का तो अभी घर आया था। क्या, अभी अभी आया था क्या? हाँ अभी, ये हलवाई बन के आया था। ओ, तो ये घर तक पहुंच गया। और ये बोल रही इसे कुछ नहीं पता, ये कुछ जानती ही नहीं है। छिप छिप के मुलाकातें भी हो रही है और लाइट भी उसी ने गुल की होगी, और अंधेरे में तो बहुत कुछ हो सकता है ना? बकू मत कुछ भी जो तुम्हारे मुंह में आए, समझी? सारा कांड ये कर रही है और अभी भी सबसे बुरे हम ही है ना? ताऊ जी हमारा विश्वास कीजिए, हम सच कह रहे हैं। हमें नहीं पता ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, पर हम सच कह रहे हैं।
माँ। श्रावणी, तुम्हें किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है। हम सबको तुम पर विश्वास है, किसी को हो ना हो। झुटला दो, सब झुटला दो। अब दीदी की बारी आई ना, इसलिए आंखों का दिखा हुआ सब कुछ झुटला रहे। अगर हमारी बात होती ना तो सुनवाई की जरूरत ही नहीं पड़ती। अभी तक ना हम कहल कोठरी में बंद हुए होते। किसके लिए तोड़ दीजिए सारे उसे, हमको क्या? स्वीटी, अपने बड़ों से तमीज से बात करना सीख जाओ। तुम इस घर में किसी के लिए भी उसूल नहीं टूटेंगे। श्रवणी, कौन है लड़का बता दो। हम सच कह रहे हैं, हमारा भरोसा कीजिए। बात हमारे भरोसे की नहीं है, बात है इस खानदान की। और तुमने तो हमको एक बाप की पगड़ी पहनाई है, तो एक बाप के नाते पूछ रहे, अगर कोई भी बात है तो हमें अभी साफ साफ बता दो। ताऊजी, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। हम आपको कैसे समझाए? तो फिर ये तस्वीर देख के हम क्या समझे? क्या जवाब दें लोगों को? सवाल तो उठेंगे ना। और अगर घर की गरिमा में दरार पड़ जाए ना, तो ऐसे कीड़े मकोड़े जिनकी कोई औकात नहीं होती ना, घर में झांकने लगते हैं। और ऐसा मौका ना हम देंगे ना ही हमारी बेटी। हम अपने पिता की पगड़ी उछलने नहीं देंगे, कसम खाते हैं हम। अगले 24 घंटे के अंदर हम पर लगे सारे सवाल मिटा देंगे। और अगर ऐसा नहीं कर पाए तो पढ़ाई छोड़ देंगे। हमको तो बहुत सीधी लगती थी। बाप तो बेचारा खत्म हो गया है, अब अपनी ताऊजी की नाक कटाने पर तुली हुई है। कभी हमको लगा नहीं ऐसे भी लक्षण होंगे। क्या आपको भी लगता है हमने कुछ किया है? प्लीज अपनी परवरिश पर भरोसा कीजिए। मुझे भरोसा है श्रवणी, हम जानते हैं तो सच्ची है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा ये सब क्या हो गया और कौन था वो लड़का। मां, हमें खुद नहीं पता। उस दिन पापा के बर्थडे पर ऑटो पकड़ते समय वो आ गया, और तीज की चूड़ियां खरीदते वक्त न जाने कहां से आ गया। हमने उसको दपट दिया और फिर उस बात को भूल भी गए, क्योंकि इतनी बड़ी बात थी ही नहीं। फिर एक दिन कॉलेज में कुछ लड़के हमें परेशान कर रहे थे,
हमने पढ़ रहे थे उनसे, पता नहीं वो कहाँ से आ गया हीरो बनके। इतना कुछ हो गया, तूने किसी को कुछ बताया क्यों नहीं? हाँ हमें बताती, अपने ताऊजी को बताती बेटा। लोगों को इतनी बातें बनाने का मौका नहीं मिलता बेटा। बेटा मेरे मामा के जाने के बाद सबने कहा बिन बाप की बच्ची है, जल्दी से इसकी शादी कर लो, अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाओ। लेकिन मैंने और तेरे ताऊ जी ने तेरे सपनों को अहमियत दी, तुझे आजादी दी कि तू डॉक्टर बन पाए, अपने सारे सपने पूरे कर सके। शवनी, आज उंगली सिर्फ तुझ पे नहीं उठी है बेटा, इस हवेली पर उठी है, हमारे खानदान पे उठी है। तुझे ये नौबत आने नहीं देनी चाहिए थी। माँ मत रोइए, प्लीज। हमने हमेशा आपकी आंखों में अपने लिए अभिमान देखा है, शर्म नहीं देख सकते। आप परेशान मत होइए माँ, कल दिन ढलने से पहले हम सारी बात साफ कर देंगे। पर माँ आपको भरोसा है ना हम पर? वरना हमारी हिम्मत टूट जाएगी। भाभी है तुम्हारी ये चूड़ियां नहीं है, ये हमारा दिल है। हमने आपसे कहा था ना कि हम तो आपसे पहली नजर से प्यार कर बैठे हैं। कि तुम्हारा काम है ना, तुम जो भी हो, निहायती गिरी हुई हरकत की है तुमने, हम अब तुमको कायदे से बताएंगे। शिबू, नाश्ता वास्ता नहीं करना है क्या? कब से आवाज लगा रहे हैं? शिबू, चाय भी रखी रखी ठंडी हो गई है। कहाँ खोए हो बेटा? कहीं नहीं, बस यही। बेटा हमने तो उम्मीद ही खो दी थी। माँ मतलब हम कुछ समझे नहीं। लेकिन हम समझ गए। हमको तो लगता था कि हमारा बेटा सिर्फ मारधाड़ी करता रहेगा, पर तुम्हारे चेहरे की चमक देख के ना उम्मीद जागी है, लगता है सब ठीक है। क्या माँ आप भी ना? पर हमको भी तो जानने का हक है ना कि किसके सपनों में मेरा बेटा खोया हुआ है, जिसके चक्कर में तुम्हारी भूख प्यास सब कुछ मिट गई है। नहीं माँ ऐसी कोई बात नहीं। हेलो, क्या हमको ढूंढ रही है? अरे तू उसे रोक के रखो वहां पे, हम अभी आते हैं, जाने मत देना उसे। हम आते हैं। माँ मैं चला। अरे कहाँ बेटा कहाँ जा? माँ हम मिलते हैं आपको रात को। अरे बाय 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 बाय। अरे 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 अरे, 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 अरे। चलो अच्छा है, मेरा शिबू अब बहुत खुश है और खुश रहना सीख रहा है ना माँ जी? खुश तो वो तब होगा जब उसका बदला पूरा होगा, और जब तक बदला नहीं पूरा होता तब तक खुशी सिर्फ उसके लिए छलावा और रुकावट है, और ये बात वो और तुम दोनों ही जानते हो। माँ जी अभी उसकी उम्र ही क्या है, और कब तक हम ये बीती बातों को उसके आगे दोहराते रहेंगे? कब तक? अब उसे अपनी जिंदगी जीने दीजिए, जीना सीख रहा है वो। और जो हुआ वो सब भूल जाए। क्या हुआ है वसुधा तुम्हें? तुम भूलना चाहती हो तो तुम भूल सकती हो, लेकिन हम और शिबू हम नहीं भूल सकते। जब तक हिसाब बराबर नहीं होता हम भूल सकते।
कहाँ है वो? आज तो बात बनेगी। बाप तो बेचारा खत्म हो गया है, अब अपनी ताऊजी की नाक कटाने पर तुली हुई है। हमको तो बहुत सीधी लगती थी, कभी हमको लगा नहीं ऐसे भी लक्षण होंगे। आखिर दिल ने दिल को पुकार ही लिया। अच्छा हुआ कि मजनू ने हमको दूसरा फोन दे दिया, वरना हमको तो पता ही नहीं चलता कि हमारी मुड़िया हमसे मिलना चाहती है। देखा, हम तुमसे कहे थे ना कि हमारे प्यार में तुम खिंची चली जाओगी। बोलो, क्यों किया तुमने हमारे साथ ऐसा? बोलो हमें। क्या किया हमने? क्या किया है? हमारे पूरे परिवार के सामने तमाशा बनाकर कह रहे हो क्या किया है? बोलो, बोलो क्यों किया? तुमको पसंद करते हैं इसलिए तुम्हारी बदतमीजी बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम भरे बाजार में हम पे हाथ उठाओ। क्यों? एक थप्पड़ से तुम्हारी इज्जत उतर गई, पर हमारी इज्जत का क्या? तुमने हमें हमारे परिवार की नजरों में गिरा दिया है। क्या किया हमने? क्या किया है? देखो, बोलो, अब बोलती बंद हो गई तुम्हारी? अरे नहीं, अब तो तुम बोलोगे ये तस्वीरें तुमने खिंचवाई ही नहीं है ना? तुमने ही खिंचवाई है ना इन्हें? बोलो, तुम्हारे थे ना कल रात को, तुमने ही हमारे घर वालों को ये तस्वीरें दिखाई। ये हमने नहीं किया, और हमको तो पता भी नहीं कि तुम वहां पे रहती हो। चोर, तुम हमारा पीछा करते हुए आए थे। सच बोलो। देखो, हम वहां पे आए थे लेकिन ये सब करने नहीं आए थे, और ऐसा तो हम किसी लड़की के साथ कर ही नहीं सकते। हमारा विश्वास करो, हमारी जिंदगी का सच है ये, समझो हमारी बात को। अरे हम तुमको पसंद करते हैं, बहुत पसंद करते हैं, और जिस दिन तुमसे जवाब मिल गया ना, डंके की चोट पे तुम्हें अपना बनाएंगे। लेकिन ऐसी छोटी हरकत करके तुम्हें बदनाम करें, सवाल ही नहीं उठता। तुम जानते हो कितने मेहमान थे, सबने ये तस्वीरें देखी, तानी कैसी कैसी बातें कर रहे थे, सब कितनी नीचे नजर से आपको देख रहे थे, और आज हमारी वजह से हमारे बड़ों का सर झुक गया। आज से पहले इतना शर्मिंदा हमने कभी महसूस नहीं किया, कभी नहीं। अपने घर वालों से कहा है कि दिन खत्म होने से पहले हम खुद को बेगुनाह साबित करके रहेंगे, और अगर ऐसा हम नहीं कर पाए तो हमारे सपने और हमारे अपने सब हमसे मुंह मोड़ लेंगे।
तुम्हारे ही आंसू मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन यकीन मानो मैंने ये सब नहीं किया, लेकिन जिसने भी किया है ना, कल सुबह होने से पहले उसे तुम्हारे कदमों में लाके पटक देंगे हम। बजरंग बली की सौगंध। चलो अपना नंबर इसमें सेव कर दो और जाकर चैन की नींद सो जाओ। कल का आने वाला सवेरा तुम्हारे ऊपर लगे इस कलंक को धो देगा। भरोसा करो हम पर, हमने नहीं किया ये सब। बस एक मौका दे दो हमें इस गलती को सुधारने का, बस एक। इस दिए के साथ तक जलते रहेंगे जब तक आप हम पर लगा दाग मिटा नहीं देते। किसने दिए पैसे तुमको? अब बोलो किसने दिए पैसे? क्या बोला उसने? आधे घंटे में रुस्तमपुर चौराहे पे बुलाया। श्रवणी का हौसलों भरा सफर देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शेमारू उमंग।